हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहित ऋषा वर्मा में। तो आज हमने तैयारी कर ली है अपने गोवा जाने की। हमारे ऑलमोस्ट बैग पैक हो गए हैं, आधे से ज्यादा हमने अपनी गाड़ी में रख दिए हैं। कुछ अभी जो पड़े हैं उन्हें हम नीचे लेकर भाई जा रहे अब की हैं। बार हम जा रहे हैं बहुत लंबे टूर पे, और यहाँ से हम जाएंगे पहले इंदौर, इंदौर से हम रुकेंगे पुणे, और पुणे के बाद हम जाएंगे गोवा, और और त्रिशूर भी गोवा के जा रहे बाद हैं। हम होते हुए मुंबई, और फिर वापस आएंगे दिल्ली। ऋषा हेलो गाइस, हेलो, बोलो। हेलो करो। हेलो, हेलो, कहाँ जा रहे हैं हम? गोवा। गोवा। तो हम जा रहे हैं गोवा, और ये टोटल जो टूर है हमारा लगभग 4,000 किलोमीटर का होने वाला है। तो और भाई 10 डेज में जिसे हम कवर करेंगे। 10 डेज के अंदर अंदर हमें वापस आना है। जगह जगह रुकते हुए जाएंगे, आराम से जाएंगे, मौज मस्ती मारते हुए जाएंगे। तो भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों अभी निकल गए हम अपने घर से। गाड़ी मैंने पहले ही अपनी पार्किंग से बाहर निकाल के खड़ी कर दी थी, और हमारी जो पैकिंग थी वो भी हमने रात को ही कर ली थी। अपनी गाड़ी में सामान भी हमने अपना टेक दिया था, सामान को हमने अकॉर्डिंगली सेट किया है कि जहाँ जहाँ हम रुकेंगे वहाँ वहाँ के हिसाब से हमने अपने बैग बना लिया है। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बजे है, ट्रिप मीटर को करते हैं 0 और करते हैं अपने ट्रिप की शुरुआत। तो चलो चलते हैं। आज की जो ये हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये हमारी दिल्ली टू गोवा रोड ट्रिप सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम दिल्ली टू इंदौर को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे अगर आप दिल्ली टू इंदौर जा रहे हैं तो टोटल कितने स्टेट उसमें पड़ते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, टोटल 3 स्टेट पड़ते हैं। पहला पैच हमारा यूपी का पड़ता है, दूसरा एमपी, और बीच में एक छोटा सा पैच राजस्थान का भी आता है। तो टोटल कितने टोल टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे, हर स्टेट का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है अबाउट द कोविड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या नहीं है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट की क्या वहाँ पे स्टेटस है, ये सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करेंगे। साथ साथ हर स्टेट का डीजल का क्या प्राइस है, या पेट्रोल गाड़ी पे आप जा रहे हैं तो पेट्रोल का क्या प्राइस है, वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। एक बात और आपको बता दे, दिल्ली से गोवा जाने के लिए बेसिकली 2 रास्ते हैं। एक तो वाया आगरा और इंदौर होते हुए है, और दूसरा जो रास्ता है वाया जयपुर, उदयपुर और गुजरात होते हुए। दोनों ही रास्ते लगभग 2000 किलोमीटर पड़ते हैं, और टाइम भी लगभग सेम ही पड़ता है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, जिस रास्ते से आप जाना चाहते हो। जो हमने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी गोवा जाने के लिए, वो हमने इंदौर वाले रास्ते से शुरुआत करी थी। तो हम वाया यमुना एक्सप्रेस से आगरा होते हुए गए थे। अभी हम नोएडा का बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली से, और सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे नोएडा एक्सप्रेसवे पर, और उसके बाद यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर। यहाँ से फिर सीधा हम वाया आगरा होते हुए ग्वालियर पहुँचेंगे, और फिर ग्वालियर के बाद हमारी आगे की जर्नी शुरू होगी इंदौर के लिए। तो अभी हम आ गए हैं नोएडा एक्सप्रेसवे पर। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अपना जो गाड़ी का टैंक है वो एक दिन पहले ही फुल करा लिया था, और दिल्ली में जो डीजल का रेट था वो 86.71 पर लीटर था, और पेट्रोल का जो रेट था वो 95.49 पर लीटर था। हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो 23 दिसंबर 2021 को स्टार्ट करी थी, तो ये उस दिन का रेट है। तो हम अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे एंट्री कर रहे हैं, और टोटल हमें जो दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगा है वो 2 घंटे के अराउंड लगा था। और आगे चल के देखते हैं टोटल कितने यमुना एक्सप्रेसवे पे टोल टैक्स आते हैं, और वो हम आपको आगे क्लियर भी करेंगे। रिशा, मजा आ रहा है? कहाँ पहुंच गए दीपिका? जेवर वाले टोल पे पहुंच गए। हाँ, जेवर वाले टोल पे पहला टोल आ गया है हमारा। टोल है जब से हम घर से निकले अपने, ठीक है ना? टोल घर से निकलने के बाद ये आया हमारा पहला टोल। देखो दिल्ली
दिल्ली से आगरा जाते टाइम हमें जो टोटल टोल टैक्सेस पड़े थे वो 4 थे टोटल, जिसमें से 3 हमारे फास्ट टैग के थ्रू डिडक्ट हुए थे और 1 हमने कैश पेमेंट करा था जो कि आगरा गवर्नमेंट का था। मैं बता देती हूँ, जो पहला हमारा टोल टैक्स था वो जेवर में था जो कि 120 रुपीज़ का था, दूसरा हमारा मथुरा में डिडक्ट हुआ था 155 रुपीज़ का, और तीसरा जो हमारा डिडक्ट हुआ था वो आगरा पे हुआ था वो 140 का था, और जो हमने कैश पेमेंट किया था आगरा गवर्नमेंट को वो 40 रुपीज़ का था। टोटल जो इसका अमाउंट था वो 455 रुपीज़ था जो आगरा तक के टोल थे। तो भाई अभी हमारा यमुना एक्सप्रेसवे का सफर खत्म हो गया है, अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ और यहाँ से हम लेंगे अभी ग्वालियर वाला रोड और फिर हम चलेंगे ग्वालियर और इंदौर की तरफ। अभी तक हम 200 किलोमीटर चल चुके हैं दिल्ली से लेके यहाँ तक। अभी हम आ गए हैं हिंदौर हाईवे पर। तो ग्वालियर जो यहाँ से बचा हुआ है वो अराउंड 86 किलोमीटर है लगभग। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ ग्वालियर तक पहुँचने के लिए हमारे जो टोटल टोल टैक्सेस डिडक्ट हुए थे वो 2 टोल टैक्सेस हमने पे किए थे, जिसमें से पहले का अमाउंट 80 रुपीज़ था और दूसरा जो हमने पे किया था वो 70 रुपीज़ के अराउंड था। एमपी स्टेट में एंटर करते टाइम अभी तो हमें कोई बॉर्डर पर ऐसी कोई चेकिंग नहीं मिली, कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ ऐसी नहीं है, आगे कोई ऐसी दिक्कत होती है तो वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दिल्ली से ग्वालियर तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 6.5 घंटे का समय लगा था और मैं अकेला ही था गाड़ी चलाने के लिए, तो हमने सोचा कि हम रात का स्टे ग्वालियर में ले ले। तो अभी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आपको दिल्ली से ग्वालियर तक का ही सफर दिखा रहे हैं। अगली जो वीडियो होगी हमारी ग्वालियर से इंदौर की होगी, तो वो आप जरूर देखना। और इस ट्रिप की बाकी वीडियोस मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मजा आ रहा है देशा? हाँ। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो? हाँ। कहाँ पहुँच गए हम? गोवा। गोवा नहीं पहुँचे, अभी हम पहुँचेंगे पहले इंदौर। कहाँ पहुँचेंगे? इंदौर नहीं, गोवा। अभी फिलहाल तो हम खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे अभी कोई भी ढाबा नहीं मिला है, सिर्फ एक चौका चूल्हा गया था पीछे, उसके अलावा अभी कोई नहीं दिख रहा है। हाँ। अब देखते हैं आगे चल के क्या मिलेगा नहीं मिलेगा।